अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑरेंज केक की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो चलिए यहाँ मैंने स्टार्ट मोल्ड करते को हैं। ऑयल से ग्रीस करके पहले ही रेडी रख दिया था। केक रेडी करने के लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 3 eggs। इसको हम ब्लेंडर में ऐड करेंगे और अच्छी तरह ब्लेंड कर देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। एक मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप ऑफ शुगर। शुगर जो है हमने पोर्शंस पे ऐड करनी है। इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑफ मेल्टेड घी। आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें घी ऐड किया है। अब इन सबको 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लें। ब्लेंड अच्छी तरह हो गया है। अब इस मिक्सचर को एक सेपरेट बाउल में निकालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास ऑफ फ्रेश ऑरेंज जूस और इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने लिया है 2 कप मैदा। मैदे को भी 2 पोर्शंस पे ऐड करेंगे। अब इसको हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। इसी तरह आप यहाँ दूसरा कप भी मैदे का ऐड कर दें। साथ ही 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दें और एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लें। सभी इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर में होने चाहिए। अब यहाँ स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से मिक्स करना है। कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब
मोल्ड को हमने पहले ही ग्रीस किया हुआ था, अब सारे बैटर को इसमें ऐड कर देंगे। केक मैं पतीले में बना रही हूँ, तो पतीला मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था मीडियम फ्लेम में। पतीले में मैंने एक स्टैंड रखा, उसके ऊपर मैंने मोल्ड रख के इसको कवर कर लिया। केक मैंने बेक होने के लिए रख दिया था लो फ्लेम में। तकरीबन 1.5 आवर के बाद मैंने नाइफ की मदद से केक को चेक किया, तो केक बिल्कुल बेक हो चुका है। अब इसे मोल्ड से निकाल लें और नाइफ की मदद से स्लाइसेस कर लें। बहुत ही सॉफ्ट केक रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।